हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है, खुश आमदीद और वेलकम। और सुनाए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ पे भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और खैरियत से रहें। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो ईद पार्टी में चार चांद लगा देगी। और ईद पार्टी में, अगर ईद के दावतों में अगर आप बना के खिलाएंगे तो आपकी तारीफ तो होगी, इनाम भी मिलेगा आपको और लोग उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। ऐसी डिश है, बहुत मज़े की बनती है। वैसे भी हमारे घर में हम बहुत बदनाम है कि आप इतना मज़े का बनाती हैं कि हमारा वेट और बढ़ता ही जाता है। बंदे को थोड़ा सा कम मज़े का बनाना चाहिए। यहाँ पे तो हाथ ही नहीं रुकता, जी पेट भर जाता है, जी नहीं भरता। इस तरह से हम बदनाम हैं। तो बजाय तारीफ करने के हमें बदनाम करते हैं कि हम इतना मज़े का बनाते हैं कि पेट भर जाता है और वेट भी बढ़ जाता है उनका। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को तारीफ ही मिलेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले घर वालों की फरमाइश पे शामी कबाब के लिए चढ़ा देंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये दाल, पानी और मसाले, ये इसकी रेसिपी हमने पहले से ही अपलोड की हुई है। अगर फुल रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे है, देख लीजिएगा। और पानी ये डाल के चढ़ा देंगे। शामी कबाब हो गया। अब यहाँ पे गैस आ रही है तो यहाँ पे हमने 4-5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गरम हो गया, यहाँ पे 2 प्याज हमने स्लाइस कट ले लिया है, इसको डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। ये प्याज सॉफ्ट हो गई। अब यहाँ पे 10 से 12 काजू और 5 से 6 हरी मिर्च काट के ले लिया है, ये डाल के इसको भी थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट करेंगे। ये सॉफ्ट हो गया, अब इसको ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। ये ठंडा हो गया, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना के साइड में रखेंगे। सेम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल और 2 टेबल स्पून बटर डाला है, इसको मेल्ट होने देंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं कि बटर ना जले। बटर मेल्ट हो गया, यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के सॉटे करेंगे। ये सॉटे कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन दूर हो गया। अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। 3-4 मिनट हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेंगे। ये 3 से 4 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लिया। अब यहाँ पे पेस्ट जो बना के रखा है ये डाल के इसको भी भूनेंगे। भून लिया और थोड़ा सा पानी भी हिला के डाल दिया। अब इसको 2 मिनट ढक के पकाएंगे स्लो फ्लेम पे। 3 मिनट हो गए, इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 पिंच गरम मसाला, 1 पिंच काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक, ये ऐड करेंगे। ये चिकन कम है इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा लिया है, एक छोटी सी चेस पीस थी चिकन की तो वो 250 ग्राम थी। ये भून लिया। हम अब यहाँ पे 1/2 कप दही फेटा हुआ है, ये मिक्स करेंगे। ये मिक्स कर लिया, थोड़ा सा पानी हिला के ये डालेंगे और इसको मिक्स करके लिड बंद करके इसको फिर से 2-3 मिनट अच्छे से पका लेंगे ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए। देखते हैं, ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, ये देखें, ये डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे ये चेडर चीज़ और मोजरेला चीज़ दोनों मिक्स हैं, 1 कप डालेंगे और इसको मेल्ट होने तक लिड बंद करके पकाएंगे।
देख लेते हैं। ये बन गई, ये देखें, रेस्टोरेंट जैसी चिकन चीज हांडी तैयार। अभी इसमें बटर डालना है थोड़ा सा, इसमें 2 टेबल स्पून के जितना बटर डालेंगे, इसको मेल्ट होने तक ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे चूल्हा बंद करके। ये देखें, ये बटर डाल दिया, खुद ही मेल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको रिजल्ट बताएंगे इसका। ये चिकन चीज हांडी और तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे, फिर बाद में मिलेंगे। फ्रेंड्स, चिकन चीज हांडी बना के खाया, बहुत मजे का था और बहुत मजे का लगा। आप भी जरूर बना के घर वालों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए और घर वालों की तारीफें सुनते रहें और इनाम भी लेते रहें। अभी तो बस इतनी छोटी सी वीडियो है, इसी वीडियो को एंजॉय कीजिए और चिकन चीज हांडी एंजॉय कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।